नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और इस वीडियो में हम आज यूनिट 5 के कुछ टॉप एमसीक्यू करेंगे। 50+ एमसीक्यू रहेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का है आपके लिए, भारत में राष्ट्रीय सद्भाव नहीं है, ये साक्षरता है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। तो ये सारे टॉपिक हम थ्योरी सेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं, कुछ एक टॉपिक रह गए हैं। तो जल्दी ही हम यूनिट 5 भी पूरी करने वाले हैं। तो NLM जो इसका उद्घाटन जो है ये कब किया गया, तो सही आंसर हो जाएगा आपका 5 मई 1988 को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का गठन किया गया था, उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो NCERT की स्थापना पूछ ली गई है। NCERT की स्थापना हुई थी 1961 में। आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। और 52 क्वेश्चन है, कितने कितने आप लोग कर पा रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स जरूर बताएं। सर्वप्रथम लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान LNUPE की स्थापना कहाँ की गई थी। तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना सबसे पहले ग्वालियर में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए सैडलर आयोग की स्थापना की थी। तो सैडलर आयोग की स्थापना कब हुई थी, ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। और सही आंसर आप लोग जो है मार्क करके अपने हिसाब से अपने मार्क्स काउंट करके लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1917 में सेडलर आयोग की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित हैं। लॉर्ड मैकाले जो हैं ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं, अंग्रेज अधिकारी थे ये। और अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में इन्होंने 1835 में अपना घोषणा पत्र भी जारी किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार क्या था। तो इनमें से अगर वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार देखें तो प्रमुख संस्कार उपनयन। इसमें क्या होता था कि बच्चा पहली बार अपने अध्यापक के यानी गुरु के समीप जाता था, तो उसको बोलते थे उपनयन संस्कार। देखिए, सर चार्ल्स वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ था, इसे वुड डिस्पैच भी कहते हैं। चार्ल्स वुड डिस्पैच के नाम से ये जाना जाता है। कब ये प्रकाशित हुआ था ये हमें बताना है। तो सही आंसर इसका है 19 जुलाई 1854, 1854 में बुड का घोषणा पत्र आया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत, यानी ये मैकाले का सिद्धांत है। और उसने कहा था कि जब हम अंग्रेजी शिक्षा उच्च वर्ग के लोगों को देंगे, उच्च वर्ग को लोगों को अंग्रेजी शिक्षा देंगे, तो धीरे धीरे निम्न वर्ग में छन के चली जाएगी, यानी निस्यंदन का सिद्धांत इसे कहते हैं। तो ये था थॉमस बेबिंगटन मैकाले, इसका पूरा नाम है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, थॉमस मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया। तो ये मैं बता ही चुका हूँ, 1835 में किया था। देखिए, राधा कृष्णन आयोग की सिफारिशें क्या थी। तो राधा कृष्णन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो किससे संबंधित थी। तो राधा कृष्णन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो उच्च हायर एजुकेशन से संबंधित थी। 1948 में इन्होंने दी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, सर्वप्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग राधा कृष्णन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो राधा कृष्णन ही थे, डॉक्टर है ये, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। UGC की स्थापना बतानी है। UGC हमने थ्योरी सेक्शन में डिटेल में पढ़ा है। जो ज्वाइन मेंबर हैं उनका अच्छा रिवीजन इस वीडियो से हो जाएगा। और जो अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो टाइम काफ़ी है, पूरा सिलेबस लगभग कंप्लीट होने वाला है, तो आप लोग कर सकते हैं। तो UGC की स्थापना जो है यानी ऑफिशियल रूप से जो एक्ट के तहत हो गई थी वो हुई थी आपके 1956 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय शिक्षा में 10+2+3 के आकार की अनुशंसा किसने की थी। आपके लिए क्वेश्चन ये है आज का पहला, कि वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली है वो 10+2+3 है या कोई और है। कोई और है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अनुशंसा की थी 10+2+3 एजुकेशन सिस्टम की। अगला देखिए, किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम शुरू किया गया। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है यह आपका
1987 और 1988 में शुरू होता है। किस राजनेता ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना की थी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 10+2+3 शिक्षा पद्धति किस वर्ष लागू हुई थी? 10+2+3 शिक्षा पद्धति जो है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से लागू हुई थी। अगला देखिए, भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो मुक्त विश्वविद्यालय जो प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय था यह आपका हैदराबाद में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। और थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, अगस्त आपका 1982 में, अगस्त 1982 में इसकी स्थापना होती है। बी आर अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय ये था, तो बी आर अम्बेडकर जी के नाम पर और हैदराबाद में। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय। अगला देखिए, भारत में खनन विश्वविद्यालय यानी माइनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो माइनिंग यूनिवर्सिटी आपका धनबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और धनबाद जो है भारत के कौन से स्टेट में पड़ता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपके लिए आज का दूसरा क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर आईआईटी कॉलेज की स्थापना की गई थी? तो सबसे पहले आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल व्यवसाय कहाँ स्थित है? उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल बिजनेस, इंडियन स्कूल बिजनेस व्यवसाय कहाँ स्थित है ये? तो ये आपका स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में नवोदय विद्यालय का क्या उद्देश्य है? तो NVS और KVS भी हम पढ़ चुके हैं अपने वीडियोस में, थ्योरी सेक्शन में। तो इसका मुख्य क्या उद्देश्य था? तो हमने पढ़ा था कि ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर देना इसका एक मुख्य उद्देश्य है। देखिए, सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार किसने दिया था? तो सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार दिया था आपका विंस्टन चर्चिल ने। ये प्रेसिडेंट थे, किस देश के थे ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग NID जो है आपका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग इसे कहते हैं, ये कहाँ स्थित है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग जो है हमारा ये अहमदाबाद में है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय उत्पाद संस्थान ISI कहाँ अवस्थित है? तो भारतीय उत्पाद संस्थान पूछा गया है, सही आंसर है आपका ये कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है इसकी स्थापना बतानी है, तो ये आपकी हो गई थी 1948 में। यही आपका राधा कृष्णन आयोग भी है और इसके अध्यक्ष कौन थे? राधा कृष्णन जी ही थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर्वप्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो सर्वप्रथम अध्यक्ष जो है इन्हीं ने की थी स्थापना, इन्हीं के नाम पे आयोग है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किस वर्ष भारत सरकार ने ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति को ग्रामीण शिक्षा का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को सौंपा था? कौन से ईयर में ये सौंपा गया था? तो ये सौंपा गया था 1954 में। ऑप्शन नंबर ए। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की अनुशंसा के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया? तो UGC का गठन कब किया गया? देखिए, गठन तो 1953 में हो गया और एक्ट के तहत जो है उसको पारित किया गया था 1956 में। तो दोनों ही ईयर आपको ध्यान रखने, हमने थ्योरी सेक्शन में समझा है इस बात को। इस वर्ष भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर कमीशन की स्थापना की घोषणा की थी? तो मुदालियर कमीशन, अध्यक्ष इसके लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, ये आपको ध्यान रखना है। और किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी ये हमें बताना है, तो उसकी स्थापना हुई थी आपके 1952 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो गया। दूसरा क्या नाम है इसका आयोग का, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। भारत सरकार ने किस प्रस्ताव के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष DS कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की गई थी? तो ये UGC के चेयरमैन थे DS कोठारी, दौलत सिंह कोठारी इनका नाम था, और इनकी अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग जो कि कोठारी कमीशन कहा गया उसकी नियुक्ति की
घोषणा की गई थी। किस प्रस्ताव के तहत यानी किस डेट को वो पारित हुआ था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 14 जुलाई 1964 को, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, भारत सरकार ने कोठारी आयोग सिफारिश नीति को किस वर्ष लागू किया था? कोठारी आयोग की जो सिफारिशें थी उनको किस वर्ष लागू किया गया? तो ये लागू की गई थी 1968 में, ऑप्शन नंबर ए। इस वर्ष केंद्र की जनता सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रोटोकॉल तैयार किया था? तो केंद्र में जनता सरकार थी, और किस वर्ष जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का प्रोटोकॉल उन्होंने तैयार किया था? तो ये किया गया था आपका, यानी मसौदा जो तैयार हुआ था, मसौदा बोलते हैं हिंदी में, तो ये कब तैयार किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है 1979 में, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिक्षा नीति से बदलाव कर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष बनाई थी? तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो ये 1986 में। अगला देखिए, सर्वप्रथम किस आयोग द्वारा पूरे देश के लिए एक समान शैक्षिक स्वरूप की नई शिक्षा व्यवस्था शुरू की गई थी? तो एक समान शैक्षिक स्वरूप की नई शिक्षा व्यवस्था जो शुरू की गई थी, किस आयोग के द्वारा, कौन से आयोग के द्वारा ये किया गया था? तो ये किया गया था कोठारी कमीशन के द्वारा, आपकी शैक्षिक स्वरूप की नई शिक्षा व्यवस्था शुरू की गई थी पूरे देश के लिए एक समान। किस वर्ष 8 फरवरी को राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया था? तो किस वर्ष जो है राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया था? किस वर्ष राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर आपका है 1 मार्च 1992 में, ऑप्शन नंबर ए। किस वर्ष प्राथमिक विद्यालयों में सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, वैसे 87 88 होता है, और अगर इस तरह के ऑप्शन हैं तो आपको 87 आंसर करना होगा। अगला देखिए, शिक्षा स्वास्थ्य शरीर स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, और यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? यह कथन आपका अरिस्टोटल का है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला देखिए, शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्यों के रूप में चरित्र निर्माण को प्राथमिकता कौन प्रदान करता है? शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्यों के रूप में चरित्र निर्माण को महत्व प्रदान करता है आपका, सही आंसर इसका हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, ये किसका कथन है? बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह होता है, ये स्टेटमेंट है आपका रूसो का, जीन जैक्स रूसो का, रूसो का हमने पढ़ा है फर्स्ट यूनिट में। परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालकों का प्रथम विद्यालय, यह कथन किसका है? तो ये कथन अगर आप ध्यान कर पा रहे हो, हमने क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है, पेस्टोलॉजी का है, हेनरिक पेस्टोलॉजी इनका नाम है। वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं? तो वर्तमान में औपचारिक फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल भी है, और नॉन फॉर्मल भी है। तो ये जो ऑप्शन है ये सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी। तो ये सभी जो हैं प्रकार अभी अवेलेबल हैं। शिक्षा के प्रारंभिक साधन कौन नहीं है? जो प्रारंभिक साधन नहीं है, सॉरी प्रारंभिक नहीं था, ये फॉर्मल था, ये फॉर्मल यानी जो औपचारिक साधन नहीं है, शिक्षा के औपचारिक साधन नहीं है, तो ये थोड़ा सा ट्रांसलेटेड है ये, इसलिए ऐसा हो रहा। औपचारिक साधन कौन सा नहीं है? तो प्रारंभिक की जगह पे औपचारिक, औपचारिक साधन कौन सा नहीं है? देखिए, विद्यालय औपचारिक है, लाइब्रेरी औपचारिक है, संग्रहालय औपचारिक है, परिवार और समाज जो है औपचारिक संसाधन नहीं है। निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया था? यानी निरौपचारिक जो शिक्षा है किस आयु वर्ग के लिए है? सिंपल सा क्वेश्चन ही है, किस आयु वर्ग के लिए निरौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है? तो उसका सही आंसर है 22-35 इन इस आयु वर्ग के लिए निरौपचारिक शिक्षा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय आपका नई दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, एन फ्लैंडर्स कौन है? अगर आप याद कर पा रहे हो, फ्लैंडर्स का एक सिद्धांत हमने पढ़ा था यूनिट 3 में, एक शिक्षाविद थे जिन्होंने कक्षा में अंतःक्रियाओं का विश्लेषण किया था, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला
अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन विश्वविद्यालयों की गतिविधियों, योजना और प्रबंधन से संबंधित है? तो यूनिवर्सिटीज को कौन मैनेज करता है, ये तो हमने अभी हाल ही में पढ़ा है यूजीसी के बारे में, तो यूजीसी इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? तो विश्व भारती की स्थापना ये रविंद्रनाथ टैगोर वाले वीडियो में पढ़ा था, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, स्कूल की संगठनात्मक योजना कौन तैयार करेगा? तो ये प्रधानाचार्य से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 2। और आखिरी क्वेश्चन हमारा आज का है कि किस आयोग ने सुझाव दिया कि प्रतिभाशाली छात्रों के लिए ऑनर्स कोर्स शुरू किए जाने चाहिए? तो ऑनर्स कोर्स शुरू करने का सुझाव दिया था आपका, ऑनर्स कोर्स जो है ये शुरू करने का सुझाव दिया था आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा। ये सुझाव दिया गया था कि जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उनके लिए ऑनर्स कोर्स शुरू करवाया जाए, तो ये हो गया कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा। इसके अलावा एक हमने सैडलर आयोग पढ़ा था, सैडलर आयोग जो कि 1917 में आया था। तो एक फैक्ट आप सैडलर आयोग के बारे में ध्यान रखिए, ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्या के लिए बनाया गया था, सैडलर आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्या के समाधान के लिए इसको बनाया गया था। और माइकल सैडलर इनका नाम क्या था, माइकल सैडलर था जो इसके हेड थे सैडलर आयोग के। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ये वीडियो आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और फाइनली आप बताइए अपना स्कोर, कितने मार्क्स आपने किए, मैंने जो बीच बीच में क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर जरूर कीजिएगा, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे परीक्षाओं की दृष्टि से। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।